दोस्तों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। एक्चुअल में साथियों, कुछ समस्या की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन मैंने ये जीआईसी क्वेश्चंस कुछ सेलेक्ट किए हैं और ये जीआईसी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पीसीएस के पेपर से उठाए हैं, जिनमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन मिल जाएगा। तो देखें, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है, इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है कि निम्न की व्याख्या कीजिए तथा समझाइए। पहला, हाइजनबर्ग ऑफ का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, फिर डी ब्रॉगली का इक्वेशन है, पाउली का अपमार्जक सिद्धांत है। ये इसका इंग्लिश जो है वो आपको नीचे इसके मिल जाएगी। देखिए, ये दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ लेते हैं हम लोग। देखते हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है कि हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है, इसी का दूसरा फॉर्म देख लेते हैं कि वेव पार्टिकल डुअल, यानी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर प्रपोज बाय डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने डुअल नेचर जो दिया था, उसका क्या कंसेप्ट है, ये भी इस क्वेश्चन में आपको मिल रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यूजिंग दिस प्रिंसिपल एंड क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन के एलिमेंट शेल। तो इस क्वेश्चन पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मुझे अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। इस पेपर से जो मैं सैम्पल पेपर आपके सामने रख रहा हूँ, इस सैम्पल पेपर से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए इस पेपर को जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल यही सेम पैटर्न रहेगा, सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, सेक्शन ए है, 10 नंबर का, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर कम है, क्योंकि ये दूसरे मीन्स एग्जाम का पेपर है और आपके लिए पीजीटी का पेपर, जीआईसी मेन का मिलेगा। तो आप इस पेपर को जरूर सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चल लेते हैं, और नेक्स्ट पेज हमारे लिए क्या कह रहा है वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखिए, ड्रॉ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ड्रॉ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड। देखा होगा आपने मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, अधिकतर O2 बनाए होंगे, N2 बनाए होंगे, ये सब बनाए होंगे, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है वो आपने ग्रेजुएशन लेवल में बनाया होगा, है ना। ये आपने 12th JEE लेवल पे भले बनाया हो, लेकिन 12th लेवल पे नहीं बनाया होगा। तो यहाँ पर O2+ और O2- के बॉन्ड ऑर्डर भी आपको निकालने और मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर करेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग बढ़ लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस, पता तो है ही आपको। अरेंज दीज द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज डिजायर्ड एंड गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, यानी कि रीजन भी आपको देना है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी कि इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर के हिसाब से अरेंज भी कर देना है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनेशन पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर आपको आयनेशन पोटेंशियल का ध्यान रखना है, यानी यहाँ पर आयनेशन पोटेंशियल का ध्यान रखना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ध्यान रखना है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इनको आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। इसका सेकंड पार्ट जो है, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखिए, सेकंड क्वेश्चन की, ये तो हो गया आपका हिंदी, इसके बाद मैं इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। तो इंग्लिश में क्वेश्चन फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, क्या कह रहा है वो देखता हूँ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी के हिसाब से आपको ये एक्सप्लेन करना है। ये पहला पार्ट है, देखिए यही है ना, ये वाला VSEP सिद्धांत के अनुसार, तो वेस्पर थ्योरी के सिद्धांत पे, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, द बॉन्ड एंगल इन द H2O एंड OF2 आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, ऐसा क्यों है। ये बॉन्ड एंगल अगर चाहो तो 104.5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आखिरकार इन दोनों में डिफरेंस क्यों है, यानी इन दोनों में बॉन्ड एंगल का डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, स्ट्रक्चर ऑफ द ICl2। ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 50 जो क्वेश्चन का स्लॉट दिया उसमें भी डाला था, ये ICl2 पॉजिटिव एंड ICl2 नेगेटिव आयंस के स्ट्रक्चर बनाने, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी आप। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन बिटवीन द TnT½, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की क्या होती है, ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ मैं आज केवल क्वेश्चन आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आप तक कर पहुँचेंगे तो आप भी अपनी आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए ये सैम्पल पेपर आपके लिए।
तो आप ये क्वेश्चंस जरूर करिए, इनको छोड़ना नहीं आपको किसी कीमत पर। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये क्वेश्चन आपको कहीं भी किसी भी कीमत पर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। आप देख लेना, 100% नहीं 200% पेपर आपको मिलेगा इसमें से, ये मेरा वादा है आपसे। फिर इसको आप जरूर लगाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देख लेते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ द रेडॉन। रेडॉन की हाफ लाइफ 3.8 डेज दे रखी है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल 1/20 1/20 ऑफ द रेडॉन सैंपल विल बी लेफ्ट। लॉग टू की वैल्यू भी दे रखी है, घबराना नहीं है बिल्कुल। यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लगाइएगा। और इम्पोर्टेंट में भी मैं इसे डालूंगा क्वेश्चन में कहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लगते हैं और ये क्वेश्चन आते भी खूब हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। ईजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वाई हैज H2O हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन HF। H2O का, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में दिख रही है, फिर भी H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों होता है, इस बात का एक्सप्लेनेशन भी आपको देना पड़ेगा। वाई कैन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड, पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बाई स्टीम डिस्टिलेशन। यानी कि वाई कैन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बी सेपरेटेड फ्रॉम पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को पैरा नाइट्रोफिनॉल से स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें आगे यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको बताते हैं कि क्वेश्चन इसी का हम इंग्लिश वाला पार्ट उठाएंगे। नीचे इंग्लिश वाला पार्ट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिए होंगे फैक्टर्स, जरूर वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखते हैं, व्हाट आर द सेलेक्शन रूल फॉर द डी टू डी ट्रांजिशन। डी टू डी ट्रांजिशन के लिए सेलेक्शन रूल क्या है ना, इसको बताना। कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स ऑफ सी आर ट्राइपॉज। यानी कि सी आर की ऑक्सीडेशन स्टेट या थर्ड दे रखी है, इस पर एक्सप्लेन करना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और एंड मैग्नेटिक मोमेंट भी आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकाल लीजिएगा। राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस। जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस नीचे दे रखे हैं इनके आईपीएससी नेम आपको लिखने हैं, लेकिन वो आईपीएससी नेम मुझे लगता है इससे पहले वाले पेपर में ही है, इसमें नहीं यहाँ पर दिया हुआ, इससे एमपी इसमें नहीं छापे हैं। ये आईपीएससी नेम एक ही जगह दिए हुए हैं, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है पहला K3FeCN का होल 6, फिर दिया हुआ है आपका K3FeCN का होल 5NO, फिर है PTPY का होल 4, PTCl4। ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं लगाऊंगा, इस नाम को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके बाद ये नाम भी इंपॉर्टेंट मैं डालूंगा, और ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं डालूंगा। यहाँ पर म्यू वर्ड जो यूज, इन दोनों के लिए म्यू वर्ड का यूज होता है, ये शायद अगर आपको ना पता हो तो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा जो मैंने आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पे बनाई है। नीचे दिया PY का मतलब पायराडीन है, EN का मतलब इथाइलिन डायमीन है, ये दोनों बातें आपको दे रखी हैं, तो इसे यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपको शायद नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको लेंथेनॉइड, चलिए फिर अगले पेज पहुँच लेते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा आपको लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को। वाई वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट द लेंथेनॉइड्स फ्रॉम ईच अदर। लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट क्यों, डिस्क्राइब देयर सेपरेशन बाय आयन एक्सचेंज मेथड। इस नाम को भी याद रखें, कभी ऐसा भी हो सकता है कि नेम द मेथड बाई विच लेंथेनॉइड कैन बी सेपरेटेड, ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर है, इसको आप जरूर करेंगे। बोराजाइन कैसे बनाते हैं, भौतिक रासायनिक गुणों में बेंजीन से किस प्रकार, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं, हाउ इज बोराजाइन इज प्रिपेयर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके लिए मेरी वीडियो बनी हुई है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन की जुड़वा बोली जाती है बोराजाइन। हाउ इज इट सिमिलर टू बेंजीन, बेंजीन से सिमिलरिटी कैसे रखती है, एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको एक्सप्लेन करनी है। हाउ इज कैल्शियम स्टोर्ड इन अवर बॉडी, वट इज द रोल ऑफ कैल्शियम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है, ये एस ब्लॉक से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन बोला जा सकता है। गिव द प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फो नाइट्राइल हैलाइड्स, ये क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा अच्छा कोई। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, मैंने बनाया हुआ है, समझाया हुआ भी है कि P4O10 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर प्रेजेंट, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको आप जरूर करेंगे। इसके बाद सेक्शन बी में आ जाते हैं, सेक्शन बी क्या कह रहा है, देखिए ये तो हिंदी वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला पार्ट सेक्शन बी का हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है सेक्शन बी का इंग्लिश वाला पार्ट, ये कह रहा है। चलिए, ये डिफाइन द एंट्रोपी एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। एंट्रोपी को डिफाइन करिए, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी बताना पड़ेगा। स्टेट गिव्स फेज रूल, ये तो फेज रूल वाला पार्ट है, ये अगर मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं,
मार्क्स स्लिप कर रहा है, अगर ये फेज रूल सिलेबस में तो जरूर पढ़िएगा, अदरवाइज लेफ्ट कर दीजिएगा इसे। व्हाट आर द बफर सॉल्यूशन, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये समझ लिए आना है, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आना है 100% नहीं 200% क्वेश्चन इस पे आएगा, इसी बात को मान लीजिए, इसलिए इसको जरूर कर लीजिएगा, ध्यान से करिएगा। राइट ए नोट ऑन द इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ये क्वेश्चन भी ठीक है, इसको भी अच्छा मान के कर लीजिएगा, है ना। ड्राइव, ये क्वेश्चन भी आना है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, आना है इस क्वेश्चन को भी आना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जीआईसी के लिए, कि ड्राइव द ब्रेक्स इक्वेशन फॉर द डिफरेंस ऑफ द एक्सरेज बाई क्रिस्टल्स, एक्सप्लेन जूल थॉम्सन इफेक्ट, व्हाट इज द जूल थॉम्सन इफेक्ट, जूल थॉम्सन कोफिशियंट, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, जूल थॉम्सन कोफिशियंट क्या, तो शो दैट द जूल थॉम्सन कोफिशियंट फॉर द आइडियल गैस इज जीरो, ये जीरो वैल्यू कैसे आती है ये भी आपको बताऊंगा। फॉर ए रिवर्सिबल डायबिटिक, मतलब एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, और एक होता है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया, ये सब प्रोसेस में से एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक सिस्टम पूछा गया है। प्रूव दैट पी वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, पी वी आर, या कभी कभी यहाँ पे गामा भी लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पी वी आर भी और पी वी गामा भी आप बोल सकते हैं, अगर इसे गामा बोलना चाहे तो ऐसे करके गामा भी बोल सकते हैं। डिस्क्राइब द एंजाइम कैटलिस्ट, देखिए ऊपर शायद गामा अगर दे रखा है तो आप इसे गामा ही बोले मेरे राय में, क्योंकि वैसे तो ये पी बी आर ही दिया हुआ है, लेकिन चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप गामा बोलना चाहते तो गामा बोल सकते हैं। डिस्क्राइब द एंजाइम कैटलिसिस एंड देयर यूजफुलनेस, एंजाइम कैटलिसिस और इसकी यूजफुलनेस क्या है, इस बात का भी एक्सप्लेनेशन आप करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए, अगर आप करना चाहें तो इन क्वेश्चन को, इनसे नंबर का कलेक्शन आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डराइव द क्लिसियस क्लिपियन इक्वेशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जी आई सी मेन एग्जामिनेशन, माई डियर स्टूडेंट्स, माई डियर कैंडिडेट्स, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, डेफिनेटली यू विल गेट नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस सैम्पल पेपर। डराइव थर्मोडाइनेमिकली द नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड द मेंशन इट्स लिमिटेशंस, क्योंकि नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है और इसकी लिमिटेशंस भी बतानी है, अगर ये मेरे हिसाब से तो सिलेबस में है, लेकिन अगर कहीं बट लगे तो जो क्वेश्चन अगर आपको लगे, क्योंकि मैंने मॉडल पेपर पीसीएस का उठाया हुआ है और इसी में से क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए, ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सिमेट्री इन अ क्रिस्टल, व्हाट इज मीन्ट बाई अबनॉर्मल कॉलिगेटिव इफेक्ट, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी डी वाले को भी आप जरा ध्यान देंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर लगाइएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं कि इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट एंड द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन ड्राइव, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर कहीं पर जाता है कि फ्रेंडली का एडसॉर्प्शन आइसोथर्म और इसके जो शॉर्टकमिंग्स हैं उसको बताना पड़ेगा, और इसके बाद इट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जी आई सी मेन एग्जामिनेशन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ योर रिएक्शन हुज वेलोसिटी कॉन्स्टेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस गेट्स डबल्ड फॉर द 10 डिग्री सेल्सियस, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस पर आप चाहें तो जी आई सी मेन लिख भी लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा, इसकी मैं PDF आपको लगा करके दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को जो है करिएगा जरूर, यानी कि इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं छोड़ना है, इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लीजिएगा, कारण सिर्फ यही कि इनमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके बाद मैं 4 चैप्टर के क्वेश्चंस आप तक भेजूंगा, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन तब तक आप इन क्वेश्चंस को करिए, इनके आंसर ढूंढिए, लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, कि कम शब्दों में अपनी पूरी बात कैसे कह पाएंगे, ये सब चीज़ें जब आप सीख जाएंगे तो 100% आप सिलेक्शन पा जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से नहीं कह पाते हैं तो ये भी एक ड्रॉबैक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव एग्जाम होना है, और सब्जेक्टिव एग्जाम आपकी लिखने की कैपेबिलिटी, आपके लिखने की जो पावर है, आपके लिखने का जो तरीका है, आपके लिखने की जो टेक्निक है, उस चीज़ को भी जानना चाहता है, कि आप जो जिस पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं क्या उस पोस्ट पे आप उस लायक है, यानी उतना मेथड आप प्रोवाइड करवा पा रहे हैं नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी, तो लिखने की प्रैक्टिस मेरे साथ में जरूर करते रहिए, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइएगा, मैं आपको आपके रास्ते तक पहुंचाता रहूंगा, कुछ कारणवश अभी वीडियो नहीं दे पाया था, लेकिन अब लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।